बिलासपुर अस्पताल में बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, जबकि आलम यह है कि कांग्रेस शासन में 2 करोड़ रुपए की दवाइयां अस्पताल स्टोर में भेजी गई थी, जिन्हें डॉक्टरों द्वारा मरीजों की पर्चियों पर ही नहीं लिखा जा रहा है, क्योंकि अस्पताल कॉम्प्लेक्स में दवाइयों की निजी दुकानें भाजपा नेता सुभाष ठाकुर व अन्य नेताओं के रिश्तेदारों की हैं। मरीजों को इन निजी दुकानों से दवाइयां खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है, परिणाम स्वरूप लाखों रुपए की दवाइयां अस्पताल के स्टोर में एक्सपायर होकर बेकार हो गई हैं। बंबर ठाकुर ने पूछा है कि सदर विधायक बताएं कि क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर के डॉक्टर मरीजों को अस्पताल के स्टोर में उपलब्ध दवाइयों को क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि मरीजों को बाहर की दवाइयां लेने पर मजबूर किया जा रहा है, इसलिए लाखों रुपए की स्टोर में पड़ी दवाइयां नष्ट करनी पड़ रही हैं। नेत्रबाड़ के साथ ही डेड स्टॉक का कबाड़ किसके आदेशों पर बनाया गया है, चिकित्सा अधीक्षक को किसने इजाजत दी कि अत्यंत नाजुक माने जाने वाले नेत्रबाड़ के साथ डेड स्टॉक बनाया जाए, क्या वर्तमान विधायक को इस बात का ज्ञान नहीं है, क्या यह डेड स्टॉक किसी संक्रमण व डेंगू जैसी बीमारी के फैलाव का कारण नहीं बन सकता है। उन्होंने मांग की है कि वर्तमान विधायक इन बातों पर तुरंत संज्ञान लेकर सख्त कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि लगता है कि विधायक को इन मामलों का ज्ञान ही नहीं है, आज तक विधायक ने अस्पताल का औचक निरीक्षण तक नहीं किया, चिकित्सा अधीक्षक को किसी का डर नहीं है, वो अस्पताल में अराजकता का माहौल है, यदि विधायक अचानक मरीजों की पर्ची चेक करे तो उन्हें पता चल जाएगा कि मरीजों को बाहरी दुकानों पर मिलने वाली दवाइयां लिखी जा रही हैं, परंतु यदि यह घपलेबाजी विधायक की नाक के नीचे अपनी करीबी दवा विक्रेताओं के लाभ के लिए लिखी जा रही है तो फिर अस्पताल में आई मुफ्त दवाइयों को नष्ट करना ही पड़ेगी। उन्होंने मांग करते हुए नेत्रबाड़ के साथ बनाए गए डेड स्टॉक को हटाने की मांग की है। मरीजों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए, अन्यथा चिकित्सा अधीक्षक व CMO का घेराव किया जाएगा। बिलासपुर शहर में पिछले 1.5 महीने से डेंगू एक भयानक रोग के तौर पे इसने अपना आक्रमण किया है और ये जगत प्रकाश नड्डा जी का अस्पताल है, उनका चुनाव क्षेत्र है, यहां से वो मंत्री बनकर के दिल्ली गए हैं, आज पूरे भारत के सेहत मंत्री हैं, लेकिन बिलासपुर के अंदर 11 सेक्टर से होता हुआ ये गांव तक फैल के जाके और अब 350 केस जो है डेंगू के बिलासपुर के अंदर हो गए हैं और इसकी रोकथाम के लिए जो प्रयास किए जाने चाहिए थे उतने प्रयास नहीं हो रहे हैं। कल मैं पिछले अस्पताल में मौका देखने के लिए गया, आईज वार्ड के साथ कबाड़ का ढेर लगा दिया गया है, अत्यंत नाजुक पार्ट जो है शरीर का आंखें होती हैं और इन्फेक्शन का वैसे ही डर रहता है, तो डेंगू को बुलावा देने के लिए एक कबाड़ का ढेर वहां पर लगा दिया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट क्या कर रहा है, मैट्रेस क्या कर रही है, CMO क्या कर रहा है और ये बिलासपुर के विधायक को और हिमाचल प्रदेश की सरकार को माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि आई वार्ड के साथ जो आपने कबाड़ का ढेर वहां पे लगा दिया, सारा कूड़ा करकट वहां पे इकट्ठा कर दिया, जहां ENT वार्ड है, आई वार्ड है, जो अत्यंत नाजुक पार्ट है, डेंगू को तो और बढ़ावा दे रहे हैं। एक भी पार्ट शहर के अंदर ऐसा नहीं है जहां पे CMO ने या मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने या किसी अस्पताल के कर्मचारी ने जाकर के जो है कहीं पे डेंगू की रोकथाम के लिए कोई कार्रवाई की हो। अकेला DC और घुमा रहता है बेचारा, उनको हम धन्यवाद करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के जो ऑफिसर हैं वो AC रूम में के अंदर बैठ करके ऐसे आराम कर रहे हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि CMO के नाक के तले के नीचे, मेडिकल स्टूडेंट के नाक तले नीचे आई वार्ड के साथ जो कबाड़ का ढेर लगाया गया है इस पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, MMS के खिलाफ कार्रवाई की जाए और मैटरन्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए कि किसकी इजाजत से वहां पे उन्होंने कूड़े का ढेर लगाया, कबाड़ का ढेर लगाया जो डेंगू को बुलावा दे रहे हैं।